हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योत्सना जोंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों को तो पता ही है, अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, एक के बाद एक फेस्टिवल आ रहे हैं। और कल हम लोग का तीज है, इसे हरितालिका तीज बोलते हैं। वैसे तो तृतीया आज से ही शुरू है, शाम से, और कल दोपहर तक है, लेकिन कल मेरा फास्ट रहेगा और कल मैं सुबह सुबह ही पूजा करूंगी, तो कल प्रसाद बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो मैंने सोचा प्रसाद आज ही बना लेती हूँ। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग तीज का फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मैं बता दे रही हूँ, मुझे पता है सबको पता ही होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे तीज होते हैं, हरियाली तीज और आई डोंट नो, मुझे उतना नहीं पता, बट बहुत सारे तरह के तीज होते हैं। जो कल है वो हरितालिका तीज है। इस तीज को हम हरतालिका तीज बोलते हैं। हरित मीन्स हरना और आलिका मीन्स सखियां, क्योंकि माँ पार्वती को उनकी सखिया हर के वन में ले गई थी और माँ पार्वती ने वन में व्रत रखा था और तपस्या किया था भगवान शिव को पाने के लिए, तो इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज है। और माँ पार्वती के माता पिता नहीं चाहते थे कि शिव जी से उनका विवाह हो, इसीलिए वो जंगल में चली गई थी तपस्या करने और भगवान शिव को पाने के लिए व्रत रखा था, तो इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज है। तो चलिए हम आपको अपने इस वीडियो में तीज का सेलिब्रेशन दिखाते हैं। आप लोग अभी देख ही रहे हैं कि मैं अभी किचन में हूँ, प्रसाद बनाने आई हूँ, और प्रसाद में हम लोग खजूरिया और पिरुकिया बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिरुकिया का फीलिंग तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले खोया बना रही हूँ। खोया बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में फ्राई किया है। एक बार ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाए उसके बाद मैं सूजी फ्राई करूंगी। सूजी को भी मैं घी में फ्राई करूंगी। अभी मैं सूजी फ्राई कर रही हूँ। एक बार सूजी फ्राई हो जाए फिर मैं उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। मेरा खोया बन के रेडी हो गया है और ऑलमोस्ट मेरा सूजी भी फ्राई हो गया है। तो मेरा सूजी भी फ्राई हो गया, खोया भी बन गया। अब इधर मैं पिरुकिया का डो बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे अच्छे से मल लिया है। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे गूंथ लूँगी। उसे मैंने कढ़ाई गूथा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है। वो ड्राई ना हो इसलिए मैंने टिश्यू पेपर से उसे ढक के रखा है। टिश्यू पेपर को मैंने हल्का सा भिगो दिया था। सूजी मेरा ठंडा हो गया है, अब मैं उसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने ऑलमोस्ट जितना सूजी है उतना ही डाला है। मेरा खोया भी ठंडा हो गया है, अब मैं सूजी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को खोया में डाल दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ध्यान रहे कि खोया भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा फिलिंग बन के रेडी है। मैं खजूरिया भी बना रही हूँ तो उसका भी मैं डो तैयार कर रही हूँ। पिरुकिया बनाने के लिए मैं छोटे छोटे लोई कट कर लूंगी और उसे पूरी के शेप में बेल लूंगी। पूरी के चारों साइड मैं पानी लगा लूंगी और उस फिलिंग को बीच में डाल के उसे फोल्ड कर लूंगी अच्छे से। पानी लगाने से वो अच्छे से चिपक जाता है और उसके बाद उसे अच्छे से गूंथ लूंगी पिरुकिया के शेप में। हमारा पिरुकिया बन गया, अब बस फ्राई करना बाकी है। थोड़ा सा फिलिंग बच गया है, अब फिर से आटा तो नहीं उसको बनाएंगे, रख देते हैं ऐसे। अभी मैं पिरुकिया फ्राई कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है पिरुकिया का और कितना खास्ता बना है। सो यम्मी। मेरा पिरुकिया ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है तो अभी मैं खजुरिया बना रही हूँ, फिर मैं उसे भी फ्राई करूँगी। अभी मैं खजुरिया फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादातर बर्तन पीतल का यूज कर रही हूँ। मैं इस बार इंडिया से पीतल का बर्तन लेकर आई, जैसे कि कढ़ाई, परात, थाली और छोटे छोटे प्लेट्स, ग्लास और कलश वगैरह, बहुत सारे बर्तन मैं इंडिया से लेकर आई इस बार, तो उसे मैं यूज कर रही हूँ। इसे मैं स्पेशली फेस्टिवल के लिए ही लेकर आई थी। ये हमारा पिरुकिया और खजुरिया बन गया है। अब प्रसाद हमारा रेडी है, बस सुबह में फ्रूट्स वगैरह कट करना है, वो मैं सुबह में ही कर लूंगी। अभी तो बस खाना खा के जल्दी जल्दी सोना है, फिर सुबह 5 बजे ही मुझे उठना है, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी रेडी होके और मॉर्निंग में ही पूजा करना है, क्योंकि बच्चे फिर एक बार उठ जाते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट चाहिए, ये चाहिए, तो फिर हो नहीं पाता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी ही उठ के फिर पूजा कर लूँगी, और फेस्टिवल में तो रेडी होने में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। कल फिर से मैं साड़ी पहनने वाली हूँ तो उसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए मुझे सुबह 5 बजे ही उठना है। और ये सब भी बनाने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से ये सब बनाने में। टाइम टेकिंग चीज है बट बनाना तो है ही। ये तो हमारा बन के रेडी हो गया, बट अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे डब्बे में डालेंगे। गर्म में डालेंगे तो फिर ये खराब हो जाएगा, और इसे ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकते तो भी खराब हो जाएगा, तो इसे ठंडा करके फिर डब्बे में डालना है। तो फिर मैं खाना वाना खा लूंगी, जब तक ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे डब्बे में डालूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर सुबह मिलते हैं, और कल का फिर जो सेलिब्रेशन होगा, पूजा करना और जो भी होगा, कल फिर हम आपको दिखाते हैं। हेलो, हम लोग रेडी हो गए हैं, मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया है और मैंने भी आज साड़ी पहना है। तो आप मुझे कमेंट में तो जरूर बताइएगा कि मुझ पे ये साड़ी कैसा लग रहा है, और अभी वही पूजा की तैयारी करेंगे। और आज मेरा कंप्लीट फास्ट है, तो आज मुझे कुछ भी खाना नहीं है, बट ठीक है, मुझे वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। सुबह तो आज हम लोग जल्दी ही उठे, थोड़ा बहुत क्लीनिंग किए और बच्चों को भी रेडी किया, हम लोग भी रेडी हुए, टाइम तो काफी लगा है, लेकिन मॉर्निंग में उठे तो ठीक था। और अभी बस वही जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने, चलिए आपको दिखाते हैं। अभी मैं फ्रूट्स निकाल के सबसे पहले उसे धो ले रही हूँ, फिर मैं खजुरिया पिरुकिया को परात में निकाल के फिर फ्रूट्स उसमें डालूंगी। फ्रूट्स मैंने कट नहीं किया है, कट करने से शायद वो खराब हो जाएगा अगले दिन तक, इसीलिए मैंने ऐसे ही रखा है। मैं थोड़ा सा दही भी रख रही हूँ, क्योंकि तीज में थोड़ा दही भी चढ़ाते हैं। ये मैं श्रृंगार का सामान रख रही हूँ, इस बार तो मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, पर मैं उसे खुद ही यूज करूँगी। लास्ट टाइम जब मैंने टेम्पल में किया था तो मैंने सब कुछ वहीं पे दान कर दिया था, अभी मैं टेम्पल जा नहीं रही हूँ तो सब कुछ खुद ही यूज कर लूँगी। मैं प्रसाद में थोड़ा सा तुलसी पत्ता भी डाल रही हूँ। मैं कलश में जल भर के रख दे रही हूँ। ये दीप हम लोग इस बार इंडिया से लेकर आए थे, ये पूरा नया ही है, सोचा आज यूज कर लेते हैं। ये इस तरह का है, ये पूरा नया ही है, तो मैं सोच रही हूँ इसे एक बार धो लेती हूँ फिर यूज करूंगी आज। और ये इसमें दीप जलेगा, और ये इसका कवर है, इसे मैं एक बार धो लेती हूँ। मैं एक कलश को द्वार पे रखने जा रही हूँ, और दूसरे कलश में जो जल है उसे मैं पूजा करूंगी।
मैंने पूजा करने के लिए फूल भी ले लिया है जो मैंने फ्लावर पॉट में लगाया है। हमने कलश रख दिया है, पूजा के लिए फूल भी ले लिया है। अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। हमारा सारा प्रिपरेशन हो गया है। मैं फूल को प्लेट में डाल रही हूँ और उसमें थोड़ा सा अक्षत और चंदन भी डाल रही हूँ। पूजा का हमने सारा प्रिपरेशन कर लिया है। हमने प्रसाद वगैरह भी रख लिया है, श्रृंगार का सामान, जल, आरती के लिए थाली, फ्लावर वगैरह सब कुछ हमने अरेंज कर लिया है। और ये फूल डाली में हमने व्रत कथा का किताब रखा है, आरती का किताब और कुछ अगरबत्ती और दिया जलाने का सामान हमने रखा है जो मैं वहां जाके जलाऊंगी। तो मैं वहां पे पूजा करते टाइम उतना क्लोज है तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, पर जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगी। मैं एक बार पूजा शुरू करूंगी फिर मैं वीडियो पे ध्यान नहीं दूंगी। तो अभी मैं पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक बार ये सारा सामान वहां रख दे रही हूँ, फिर आपको मैं अपना टेम्पल दिखाती हूँ। मैंने पूजा का सारा सामान यहाँ रख दिया है। अब मैं दिया और अगरबत्ती जला के पूजा स्टार्ट करूँगी। पूजा करने में मुझे थोड़ा टाइम तो लग जाएगा क्योंकि मैं व्रत का कथा पढ़ूंगी फिर आरती करूँगी तो टाइम तो लग ही जाएगा। हमारा पूजा तो हो गया, बहुत अच्छे से हमने पूजा कर लिया। जितना मुझे समझ में आता उसी हिसाब से मैंने कर लिया। अपने यहाँ तो इंडिया में पंडित जी कराते हैं बट यहाँ पे मैंने खुद ही किया है। लास्ट टाइम मैंने टेम्पल में जाके किया था बट इस टाइम तो हम लोग जा नहीं पाए तो घर पे ही कर लिया है। हमने इंडिया से व्रत कथा का बुक लेकर आए थे, वो हमने पढ़ लिया है। वैसे तो इसमें कथा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो हमने पढ़ लिया है और अपने हिसाब से पूजा भी कर लिया। तो इस तरह से हमारा पूजा हो गया है। आज तो दिन भर मेरा फास्टिंग रहेगा, रात में भी जगना है और सुबह को फिर पारण करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये व्रत संपन्न होगा। तो हमारे इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट्स मिलता रहे। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।